अमन एक्चुअली जो तुमने कहा इंटरव्यू में, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ तेरे साथ। पर मुनीषा मतलब पॉइंट इज, जब हर आदमी हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ बात करता है, जब आप उसको जानते ही नहीं, आप उसके बारे में कैसे डिसाइड कर सकते हैं? एंड हु आर यू टू जज समवन? मैं मानती हूँ वी आर नोबडी टू जज समवन, बट ये है कि जो वीडियोस दिखाए, जो इन्होंने लोगों ने इतना सारा इंटरव्यूज बोला है, जो इतने लोगों ने बोला है कि ऐसे खुलेआम उसके दरबार में जो मतलब अश्लील चीजें होती है, तो पीपल हैव बीन एन आई विटनेस टू दिस। मुनी आई रियली लव यू वेरी मच, क्या अश्लील था इसमें? मैंने तुझे छुआ, तू मुझे मिलती है, मैं तेरे को हग नहीं करता हूँ, क्या ये अश्लील है हमारे बीच में? नहीं, उस दर्जा पे जहाँ पे वो है, शी इज सपोज टू बी लाइक ए गॉडेस की दर्जा उनको दिया गया। किसने दिया है वो दर्जा? लोगों ने दिया है, और आज वही लोग उसको अश्लील बोल रहे हैं? क्या वो जबरदस्ती बोलती है आओ आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ चढ़ जाओ, आज हम तेरे को मिलते हैं, देखो हग करते हैं, किस करते हैं, हमारा कल्चर है, तो वो अश्लील नहीं है? क्या तूने अपनी मम्मी को कभी गले नहीं लगाया क्या? वो बात नहीं है रमन, बट द पॉइंट इज, अब ये जो सब चीज़ें हैं, बेसिकली मुझे लगता है कि वो जो कर रही है या जो उन्होंने किया है, वो उनको शोभा नहीं देता। मुनीषा हु आर यू टू जज हर, व्हाट शोभा नहीं देता? यू बीइंग अ टेरर लीडर, तूने ये कपड़े पहने, तेरे को शोभा दे रहा है? क्यों नहीं ओढ़ा तूने ब्राउन चोला? तू पहन ऑरेंज चोला, ले संन्यास, तू भी उसी मार्ग पे है ना, ले संन्यास, क्यों नहीं ले रही संन्यास? ले ना संन्यास, क्या ये गलत नहीं है? तुम ये चोला पहनो ठीक है, वो मां ने अगर ऐसा पहन लिया तो अश्लील है। इट्स नॉट अबाउट द कपड़े, इट्स नॉट अबाउट द कपड़े, वो लोग कपड़ों का मुझे वो नहीं है कि तुम ठीक है, तुम कपड़े कुछ भी पहनो, दैट इज ओके, बट जो दूसरी चीजें हैं। क्या दूसरी चीजें? मतलब जो भी सब हजार, तुम क्या कहना चाहते हो, खुल के बात करो ना, दूसरी चीजें कहना। हाँ मतलब वो ही कि अगर वो जो वो लड़की ने जो डाउरी केस किया है या इतना सब कुछ किया है, कुछ तो उसने सोच। 1000 लोग के यहाँ डाउरी केस होता है, कितनों का डाउरी केस टीवी पे दिखाया जाता है? क्यों राधे माँ के लिए? 1000 करोड़ की संपत्ति है, हम दोनों ने वो न्यूज देखी है, अग्री करती है न्यूज है, 1000 करोड़ की संपत्ति, क्या 7 लाख रुपए की डाउरी मैटर करेगी वहां पे? क्या ये मैटर करेगी? बी अ सेंसिबल इनफ, और तू खुद के क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे, खुद इस बारे में एटलीस्ट सोच तो सही। आज तो इतने करोड़ की मालकिन है, क्या मैं तेरे को फर्क पड़ेगा 5-7 लाख रुपए से मैटर करेगा? उसके लिए क्या तू ऐसा कुछ काम करेगी जिससे तेरे नाम पर, तेरी इज्जत पर या तेरे प्रोफेशन के ऊपर धब्बा लगे? ऐसा कोई काम करता है? इतना हर आदमी वाइज होता है, सेंसेबल होता है, ये सब बातें झूठ हैं। मैं राधे माँ को नहीं जानता, फिर भी मैं इतने कन्विक्शन के साथ उस औरत के लिए बात कर रहा हूँ, वो जो वाइब्रेशन उनकी फोटो से मिलती है उसको लेके। मुनीषा मेरा ओपिनियन है, लेकिन आज जब हम एक 21st century में जी रहे हैं, जहाँ औरत प्रधान देश है हमारा, आज है, मानती है, आज हम औरत को इक्वल दर्जा देते हैं, तो उसको डिमीन करना क्यों? आज हम उस औरत के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा कोई भी? हर आदमी उसके अगेंस्ट होके बैठा है, कोई तो उसका स्टैंड लेगा, कोई तो सिक्के का दूसरा पहलू दिखाएगा या देखेगा। आज हम अगर वही चश्मा लगा लेंगे, आज हमने काला चश्मा लगाया, दुनिया हमको काली दिखेगी, नीला लगाएंगे नीली दिखेगी, क्यों नहीं हम वो चश्मा उतर कर दुनिया को देख रहे हैं? क्यों नहीं हम अपना वो झूठ का पर्दा हटा दें और एकदम नॉन बायस होकर माँ के बारे में जाने? ठीक है रमन, यू वेरी क्लोज टू मी, ये तेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, लेट इट बी, अब लेट इट बी, ठीक है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग क्लोज और समथिंग? इसमें क्लोजनेस नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हां तुम्हें, मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स ओके, दैट इज फाइन, लेकिन हमारे को कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा मुन्नी, मेरे को तेरे से एक्सपेक्टेशंस है। मैं कोई स्टैंड नहीं लेना चाहती हूं, तुमने मेरी राय मांगी तो मैं बस दे रही हूं। नहीं, तुम स्टैंड कैसे नहीं ले सकती? कल को तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम्हारे घर में ऐसा हो, क्या तुम स्टैंड नहीं लोगी? तुम्हारी माँ के ऊपर कोई आरोप लगा, क्या तुम स्टैंड नहीं लोगी? अरे भारत की पूरी जनता को स्टैंड लेना पड़ेगा, क्या क्यों, क्या तुम स्टैंड नहीं लोगी? हर बार हर आदमी किसी पे, धर्म गुरु पे उंगली उठाएगा और हर आदमी भागता जाएगा, बचता जाएगा, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी मुनीषा। एक एक बूंद से सागर भरता है, और हम एक एक आदमी जुड़ेंगे तो मास बनेगा। कोई आदमी स्टैंड नहीं लेगा तो वो बेचारी शायद निर्दोष हो, शायद वो निर्दोष हो, अच्छा लगेगा, एक निर्दोष को सजा मिलेगी, एक निर्दोष बदनाम हो रहा है, अच्छा लग रहा है तुझे? एक औरत के लिए स्टैंड ले, राधे माँ के लिए नहीं, एक औरत के लिए स्टैंड ले, एक उस इंसान के लिए स्टैंड ले जो एक अबला नारी आज अकेली इस पूरी दुनिया से लड़ने जा रही है। हर मीडिया उसके बारे में गलत बोल रहा है, वो सिर्फ सुन रही है, उसको इतना टाइम लगा आंसर देने में, उसको लगा था शायद ये आग ठंडी हो जाएगी, पर ये धुआं रुका नहीं, आग तो ज्वाला बन गई, तो स्टैंड नहीं लेगी? ये तेरा पर्सनल कॉल है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्या हम एक इंसान के लिए, आज हम इतना मर चुके हैं, हम इंसानियत भूल गए हैं कि हम किसी पे भी कुछ भी उंगली उठा सकते हैं? कोई भी आएगा कुछ भी बात करेगा, 100 लोग मेरे बारे में गलत बात करते हैं, मैं हर आदमी को आंसर नहीं करता लेकिन अपने लिए स्टैंड तो लेता हूं। आज मुझे कुछ होगा, क्या तू स्टैंड नहीं लेगी?
सिर्फ तो उसको जानती नहीं है इसलिए तो उसके लिए स्टैंड नहीं लेगी, पूरा भारत उसके बारे में गलत बात करेगा क्योंकि वो उसको जानता नहीं है, बट उसके लिए स्टैंड नहीं लेगा, उसके अगेंस्ट सब स्टैंड लेगी क्योंकि वो ढोंगी औरत कहला गई है। एक आम औरत ने आके एक ऐसे एलिगेशन लगा दिया तो वो ढोंगी हो गई, चोर हो गई, उसने डाउरी मांग ली, किसने देखा, क्या सबूत है उसके औरत के पास कि उसने डाउरी मांगी? और उससे ये बात कर, अगर राधे माँ इतनी उसको प्रतिरण दे रही थी, इतना टॉर्चर कर रही थी, वो लड़की बेवकूफ सो रही थी अपने घर में, टॉर्चर सहन कर रही थी, अबला नारी है, आज की नारी तो यहाँ की शक्ति है, तो क्या क्या टॉर्चर सहन कर रही थी वो औरत? किस बात के इल्जाम राधे माँ के ऊपर? एक औरत होने के नाते जाग जा, एक औरत के लिए स्टैंड ले मुनि, एक औरत के लिए स्टैंड ले। क्या ठीक है? यू कैन नॉट रन, इट्स नॉट अबाउट रनिंग। मैं तेरा पॉइंट सुन रही हूँ, मैं सोच के बताऊंगी। अगर भारत की हर जनता सिर्फ ये सोचेगी कि वो सोच के बताएंगी तो ये सोच कब खत्म होगी यार? हमें आज अपनी सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदल, एक आदमी स्टैंड लेगा सो 1000 लोग के मुंह बंद होंगे, एक 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 से भले दो, दो से भले चार, और ऐसे करते करते 11 से हम 1 करोड़ होंगे। कोई तो किसी के लिए स्टैंड लेगा मनीषा, टाइम बर्बाद मत कर सोचने में।